भ्रष्ट लोगों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि वो तो इनको मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इनने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत रही है तीनों सीटों पर, पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। जितना आप लोग अंदाज नहीं लगा, यदि इनको लाडली बहना निकालना था तो ये 5 साल पहले निकालते। कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदलने के मूड में है, वो लोग भी बहुत दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको खुद लगता है कि सत्ता बदल जानी चाहिए। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम है टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ में हमारी मुलाकात भई है पूर्व विधायक अजय यादव से। अजय यादव को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो कि जब चुनाव लड़े तो उमा भारती की पार्टी से चुनाव लड़ी, उमा भारती तो चुनाव नहीं जीत पाई जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जबकि वही पार्टी के जिलाध्यक्ष चुनाव में निकल गए, चुनाव जीत गए। दूसरी और भी कई चीज़ें हैं अजय यादव को लेकर। एक के जब से विधायक बने, जब से अब तक विधायक रहते हैं भी कछु नहीं खरीदो ना संपत्ति चोरी, और दावा है कि अब तक कछु नहीं खरीदो, एक प्लाट तक नहीं है। कैसे राजनीति की जब बात हो तो लूट खसूट की बात सबसे ऊपर न करके याद के की ने 5 साल में कितो का जोड़ लाओ, कितो कमा लाओ, उल्टो सीधो करके कमा लाओ कितो, और सीधो सीधो करके कितो कमा लाओ। अजय यादव ने कछु नहीं कमाओ ऐसी कह रहे भैया। ई बार तो आधे ही कर दी, 3-3 सीटों से नाम चल रहा हो, टीकमगढ़ से अलग सोएता के लोग टेंशन में, बगल की सीट से भी टेंशन में, और छतरपुर की सीट से भी टेंशन में। अस्तु जी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, बाकी हद तक सही बात जो है कि जो आपने कहा है सही बात जो है कि मैंने वास्तविक दृष्टि में कि 2000 जब से मैं विधायक बना हूँ अभी तक मैंने ऐसी कोई संपत्ति या कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदी। दूसरा जी, जहाँ तक आपने 3 नामों का सवाल है तो ऐसा हुआ कि मैं जिस क्षेत्र में भी घूमा हूँ, क्योंकि मैं खरगापुर से विधायक रहा हूँ और निरंतर में टीकमगढ़ में लगभग पूरी एजुकेशन लगभग यहाँ 40-45 साल से, मतलब बिल्कुल बाल्यकाल से ही यहाँ आ गया था। तो स्वाभाविक रूप से टीकमगढ़ में भी मेरा संपर्क सभी लोगों से, शहर में खासतौर से, और लोगों ने मुझे 40 साल से देखा है। इस बेस पे जब लोगों को लगता है कभी कभी तो जो जो नाम आता है उसके कारण से आता है। और जहाँ तक बड़ा मलेरा की बात है कि उपचुनाव था तो उसमें भी 3-4 महीने उस समय लग रहा था मुझे, टिकट का उस समय चल रहा था तो मैं घूमा हूँ इस कारण से भी। अब नहीं जा रहा हूँ उतना, लेकिन उस कारण से भी वहाँ जो लोग थे, जब लोग चर्चाएँ करेंगे तो नाम निश्चित तौर पर आएगा। 3 विधानसभा सीटों से मध्य प्रदेश में। अच्छा, प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या आवेदन किस सीट से किया? मेरा तो यह है कि कमलनाथ जी सर्वे करवा रहे हैं सब जगह सभी सीटों पे, और पार्टी जहाँ से भी मुझे उपयुक्त समझेगी और कमलनाथ जी जहाँ से भी कहेंगे मैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य हूँ, और पूरी के पूरे ईमानदारी से मैं कहता हूँ यदि वो मुझे मुझ पर विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार मैं सीट निकाल के उनको दूंगा। खरगापुर कब से नहीं गए या जाते आते रहते हैं? जाते रहते हैं, मेरी गांव में ज़मीन है, मैं कल ही गया था तो कल पूरा लगभग पूरा दिन खरगापुर में रहा। स्वाभाविक रूप से जब जिस क्षेत्र से आप विधायक बन जाते हो तो अच्छे और बुरे में लोगों के जाना चाहिए, और मैं निश्चित तौर पर उससे जाता रहता हूँ, उस कारण से भी मेरा नाम आता रहता है वहाँ से। अच्छा, जब से विधायक बने सो विधायकी के दौरान एक प्लाट नहीं खरीदो, अभी तक ज़मीन ही नहीं खरीदी? नहीं, मैं मेरा अभी कह सकता हूँ मैं कि अभी मैंने बहुत साल बाद 15 साल बाद मेरी गाड़ी उस समय आई थी तो गाड़ी मैंने ज़रूर अभी फाइनेंस करवाई, अभी वो भी अभी कराई है, क्योंकि उसके 15 साल पूरे होने वाले थे और उसका रजिस्ट्रेशन आने में वो आजकल वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है रजिस्ट्रेशन करवाना दोबारा, तो इसलिए मैंने अभी गाड़ी खरीदी है। इसके पहले गाड़ी के अलावा मैंने ना कोई प्लॉट, ना कोई ज़मीन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जितना जो मेरे पास में था 2008 के पहले वो है, और मैं मानता हूँ कि उतना भी है उतना ही बना रहे मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा, विधायक बन जा सो आदमी तो 500-500 करोड़, 100-200 की तो बात ही नहीं होती, अच्छो पैसा छाप लेते। आपने काहे नहीं छापा? आपको रास्ता नहीं है तीन पतो के कहाँ से पैसा आत के कछु, और अंदर की बात का मेरा यह है कि मैं एक्चुअल में मेरे पिताजी बीएल यादव जी लेक्चरर रहे हैं हिस्ट्री से, और जब मैं जब कभी चुनाव लड़ते थे तो पापा जी अपनी वो सुपारी भी नहीं खाते थे, लेकिन वो मेरे लिए चुनाव के लिए ज़रूर पैसे देते थे, 50,000-1,00,000 रुपए मुझे दे देते थे कि बेटे इलेक्शन के लिए 1,00,000 दे दिए, 2,00,000 दे दिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जो व्यक्ति कभी सुपारी नहीं खाता हो, लेकिन वो कहते थे कि मैं इसलिए देता हूँ कि तुम जैसे हो एज ए टीचर। वास्तविक दृष्टि में आज की बड़ी समस्या है, खासतौर से जो इमेज का संकट है वो पूरे देश में चल रहा है,
खासतौर से जो लोग सोचने लगे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस समस्या हो रही है। अच्छा, आप दो चार विधायक जानत जी ने खूब पैसा हुक के कमा लो है। अब मेरा टीकमगढ़ जिले ही घूम लो, लोगों के पास में क्या था, क्या हो गया वो आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो जनता बोल रही है और जनता देख रही है उस चीज़ को, और जनता उन चीज़ों को पसंद नहीं करती। और मेरा ऐसा भी मानना है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को। एक मानसिकता बनाई गई कि जो भ्रष्ट लोगों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि वो तो इनको मौका नहीं मिल पा रहा है इसलिए इन्हें नहीं किया, इनको मौका मिलेगा तो एन्जॉय करने। तो जो ये शब्द है इसका भ्रष्ट लोगों को बहुत फायदा हुआ है इस चीज़ का, मेरा ऐसा सोचना है। और माँ जी ने पहली बार चुनाव लड़ा, फिर दूसरी बार काहे नहीं लड़े? पहली बार मैं जनशक्ति से था, मैं जिला अध्यक्ष था, मैं खरगपुर से विधायक बना, मुझे लगता था कि पार्टी मुझ पर करेगी 13 में, लेकिन 13 में मेरा टिकट नहीं हुआ, और फिर इसके बाद मैं फिर 18 में भी नहीं हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने अच्छे काम करने के बाद कोई भी नकारात्मक चीज़ होती या विधानसभा में मेरा नकारात्मक कोई माहौल होता, मेरा टिकट काटते, लेकिन इस चीज़ का दुख मुझे हमेशा रहता है। अच्छा, उमा भारती की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, उमा जी वापस भाजपा में चली गई, आप भाजपा में काहे नहीं गए, कांग्रेस में कैसे आ? नहीं, मेरा विलय हो गया था, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। हाँ। उसके बाद मैं जब विलय हो गया तो स्वाभाविक रूप से जब जिस पार्टी का पूरा विलय हो जाएगा आप भी उसी दल के हो जाएंगे। उसके बाद में 13 और 18 का टिकट नहीं हुआ, उसके बाद में फिर इसके बाद में जो सब जो हुआ है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोगों की सेवा करना है, और क्योंकि जब तक आपके पास में पावर नहीं होगा आप किसी के दुख दर्द बांट नहीं सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, ये प्रजातंत्र का सेटअप है। लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद में कमलनाथ जी से मेरा संपर्क हुआ, उनका फ़ोन भी आया, फ़ोन करने के बाद में मिलने गए, और मुझे मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए, और मैंने उन्हीं के सामने उनकी सदस्यता में ग्रहण कर ली। इस बार क्या आश्वासन मिला है कमलनाथ जी की तरफ से, बातचीत हुई कुछ फ़ोन पर? बात हुई है, मिले भी हैं, पार्टी सर्वे करवा रही है, यदि मुझे उपयुक्त मानेगी कहीं से भी तो मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे पार्टी विश्वास करेगी और मैं सीट निकाल के दूंगा उनको। अच्छा, आवेदन मांगा जाता है कांग्रेस में? आवेदन देते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आवेदन भी नहीं देते, उनके सर्वे में जब आ जाते हैं तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी खुद फिर आपसे संपर्क भी। आपने दिया है आवेदन कहीं से? ऐसे तो आवेदन नहीं दिए मैंने, अभी नहीं दिया आवेदन कहीं से भी। लड़ा दें 3 सीटों में से, पार्टी जहाँ से भी कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, वर्तमान स्थिति क्या है टीकमगढ़ की? 3 सीटों ले लो, 2 पे तो आपका नाम चल ही रहा है, तीसरी क्यों छोड़ो जतारा? अभी माहौल क्या है इन 3 सीटों का? कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत रही है 3 सीटों पे। तीनों इस बार तो 3 भाजपा के हैं? 3 भाजपा के हैं, लेकिन इस बार कुछ भी कह लो, जिस ढंग का भी जो कार्यकाल हुआ है विधायकों का, आदमियों ने तानाशाही और सब देखा है, लूट देखी है, SDM कार्यालय से लेके हर जगह, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, पूरी परेशानी, महंगाई की मार, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे तो सब जगह संपर्क हैं पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, पूरे प्रदेश में एक सा माहौल है, और मुझे लगता है कि पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जितना आप लोग अंदाज नहीं लगा पा रहे, उससे ज़्यादा रेंज होगी जीत। ओपिनियन पोल से भी ज़्यादा? आप देखो, सब ओपिनियन पोल पूरे जो पोल हैं कहीं कहीं आपके फेल भी हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी भारी मतों से पूरे प्रदेश में, बहुत उन्हीं के नाम से पूरा चुनाव होने वाला है और बहुत अच्छी सरकार बनने वाली है। लेकिन लाडली बहना योजना तो आ गई है, उसका कमलनाथ जी ने बोला है, क्योंकि आपको पता है कि यदि इनको लाडली बहना निकालना था तो ये 5 साल पहले निकालती। सब लोग जानते हैं कि जो 2 महीने बाद में आचार संहिता लगने वाली है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये और मिल जाएंगे लोगों को, ये तो इनके खुद के लास्ट में इनको जो प्रोपोगंडा है वो कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी पर विश्वास है कि उनने कहा है कि 1,500 रुपये वो बहनों को देंगे, और सिलेंडर जो आपका इतना महंगा है उसको भी 500 रुपये करेंगे। लोगों को कमलनाथ जी की बात पर विश्वास है कि कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन फिर दूसरी चीज़ है, अकेले शिवराज सिंह को चुनाव नहीं लड़ना यहाँ पर,
मोदी जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे। ये तो कर्नाटक में भी सभी लोग गए थे, लेकिन क्या रिजल्ट आया वहाँ? तो ये तो जब पब्लिक मन बदलती है और जनता सर्वोपरि है और हमें जनता पे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदलने के मूड में है। इवन नीचे का कार्यकर्ता, जो निचले स्तर के लोग जो पार्टी में काम करते हैं, वो लोग भी बहुत दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो बोले या ना बोले, लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी का काम करेंगे। उनको खुद लगता है कि सत्ता बदल जानी चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया। अच्छा यादव जी, अभी आपने बताया कि हमें पहले भी टिकट नहीं दिया, 13 में भी भाजपा ने, 18 में भी लटकाया रखा, अभी यदि कांग्रेस टिकट नहीं देगी फिर वही हाल हो जाएगा? नहीं, पार्टी के लिए काम करूँगा। टिकट नहीं देगी तब भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिर भाजपा में क्या ऐतराज था? नहीं, ऐतराज क्या था मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, एक्चुअल में मैं जनशक्ति में था और मेरा मूल स्वभाव, मैं जब चुनाव लड़ा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी के विलय होने के कारण मुझे भाजपा में जाना पड़ा। मेरा स्वभाव कहीं भाजपा का नहीं रहा, उनकी नीतियों का नहीं रहा, लेकिन पार्टी ही विलय हो गई। तो जब मैं चुनाव लड़ा तो जनशक्ति उस समय जो मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस से भी ज़्यादा विरोधी मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी की। तो मूल आप देख लीजिए पूरा का पूरा, जब जिस समय हुआ था, जितने भी जनशक्ति के लोग मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ में रहते थे और हम लोगों ने खूब भाषण दिए उस समय भाजपा के खिलाफ में। तो हम लोगों का, लेकिन वो मजबूरी ये थी कि वो विलय हो गया पार्टी का। लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है कि कम से कम जो ऊपर के विषय हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि इस क्षेत्र का विधायक बहुत अच्छा बन जाए तो उस क्षेत्र में तो कम से कम माहौल अच्छा बना रहता है। और उस कारण से 13 भी इंतजार किया, 18 भी इंतजार किया, लेकिन मुझे लगा मेरा स्वभाव ही दल बदलने का नहीं था। अब वो तो दल बदलना वाली बात तो ऐसी बात हो गई ना कभी कभी, कि जैसे कभी कभी आदमी प्रेस के लोग भी न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं तो कभी इस न्यूज़ चैनल से वो उस न्यूज़ चैनल पर पहुँच जाते हैं, लोग अखबार बदलते हैं कि इससे आज नव भारत में है तो कल नई दुनिया में चले गए। तो इसका मतलब उनने मन नहीं बदला, उनका जो भाव है वो तो पब्लिक ही का रहता है। तो जो अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे लोग यदि किसी भी पार्टी में आ जाएं, पार्टी कैसी भी हो, तो वो पार्टी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अच्छी पार्टी, विचारधारा सब अच्छी हो, भ्रष्ट लोगों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाए तो वो पार्टी खराब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आएंगी इस बार, आपका अंदाज? मुझे तो ये लग रहा है कि दिन प्रतिदिन उनके सर्वे और ख़राब होते चले आ रहे हैं। वो पहले बताते हैं, हो सकता है कि टीवी चैनल्स सब लोग जानते हैं कि सब आज की डेट में सब इन्हीं लोगों के हवाले हैं, जे लोग खुद के, आपका ओपिनियन पोल बता रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्हीं के चैनल हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ज़्यादातर अडानी जी के चैनल हो गए, बड़े बड़े चैनल्स जो हो गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, NDTV जैसे चैनल्स पूरे के पूरे सब इन लोगों के हवाले हो गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसके बाद में भी वो भी जीता हुआ कांग्रेस को दिखा रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज लगा लो कि उन्हीं के चैनल और वो भी जीता हुआ दिखा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी यहाँ मध्य प्रदेश? षड्यंत्र तो नहीं? नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है, यहाँ की पब्लिक बोलती है। आप तो पत्रकार हैं, आप भी जितना घूमते हैं उतना ही हम घूमते हैं, और मेरे अंदाज से आप से तो हर पार्टी के लोग और सब लोग मिलते हैं, आप लोगों को खुद लगता होगा, आप लोगों को खुद पता चल जाता है। और आप लोगों का जो लोग बोलते हैं ना कि प्रेस वालों के एंटीना बहुत तगड़े होते हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं बहुत तगड़े तरीके से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी लगता होगा कि सरकार बदलने वाली है। सरकार बदलने वाली है और सरकार में विधायक अजय यादव होंगे, इसका कितना चांस हो सकता है? हर व्यक्ति चाहता है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन पार्टी जो डिसीजन लेगी मुझे लगता है कि वो अच्छा डिसीजन होगा और हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, टीकमगढ़ में क्या क्या सुधार सकते हैं विधायक बनने के बाद? अब तो आज का जो टीकमगढ़ है और पुराना टीकमगढ़ है, सबसे बड़ा समस्या जो है आज की डेट में डेवलपमेंट, आपके यहाँ CC रोड बन रही, किस स्तर का सीमेंट लग रहा है वो महत्वपूर्ण हो गया आजकल। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन है वो घटिया कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पैसे बहुत आ रहे हैं, लोगों के टैक्सेशन, कितना टैक्सेशन हो गया आजकल कि हर आदमी का, आपकी इवन आपके दूध पे टैक्स लग रहा, आपके छाछ पे टैक्स लग रहा, यहाँ तक टैक्स लग रहा, आटे पे टैक्स लग रहा। तो मतलब ये टैक्स कभी नहीं लगा, 70 साल में कभी टैक्स नहीं लगे, टैक्स इतना ज़्यादा आ रहा है, पैसा सरकारों के पास इतना जा रहा है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो कंस्ट्रक्शन में दलाली का है। और मैं मानता हूँ कि कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि आपके यहाँ CC रोड बन रही, एक 10 का सीमेंट लग रहा, तो मतलब आपके तो दरवाजे पे वो लोग कचरा फेंक रहे हैं, कल के दिन वो फिर पूरी गिट्टी गोड़ाएगी, सब कुछ फिर वो खोदेगा। तो मेरा मतलब ये, जो भी काम हो, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होना चाहिए और उनका जो मात्रा है वो पूरी की पूरी सही रूप में होना चाहिए।
बहुत बढ़िया अजय जी, आपने समय दिया और बढ़िया बातें की। ऐसे विधायक बनने चाहिए, अब किस सीट से बने ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे विधायकों की बुंदेलखंड को आवश्यकता है जो लूट खसोट ना करें। बुंदेली वार्ता परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं और ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग, टिकट मिले ना मिले, विधायक बने ना बने, लेकिन मिलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।